जौनपुर के डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने गोटेगांव में श्री राधा हॉस्पिटल में निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों की जांच की एवं जिन लोगों को हृदय से संबंधित परेशानियां हो रही थी उनका समाधान किया। जहां एक और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जबलपुर से गोटेगांव जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं एवं उस बीमारी का समाधान भी कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पराज पटेल निःशुल्क सेवा कई बार जगह जगह जाकर लगाते हैं एवं लोगों को हृदय से संबंधित बीमारियों से बचाते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज श्रीराम हॉस्पिटल में आपका हृदय रोग शिविर है, क्या किस उद्देश्य को लेकर आप शिविर लगाए हैं? आज इस शिविर का जो श्रीराम हॉस्पिटल गोटेगांव में आयोजन किया गया है वो इसलिए कि छोटी जगहों पर गांव में भी हृदय रोगी शुगर ब्लड प्रेशर इसके मरीज तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर इन बीमारियों की शुरुआती स्थिति में ही पहचान हो जाए, शुरुआती लक्षणों के समय ही जानकारी मिल जाए तो ये बीमारियाँ पकड़ में आ सकती है, जिनसे होने वाले खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, मृत्यु है, इन्हें कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया। सर, चूँकि कोरोना महामारी का इस समय प्रकोप बहुत जोर से चल रहा है, जो पहले से ही हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय रोग के रोगी हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इस समय बहुत सारे मरीज फॉलोअप के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास रेगुलर रूप से नहीं जा पा रहे हैं, तो सभी डॉक्टर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन या व्हाट्सएप पे परामर्श की सुविधा प्रदान की हुई है, तो कम से कम दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें और अगर सीने में दर्द, सांस फूलना या लक्षणों में कोई परिवर्तन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से या आसपास किसी डॉक्टर से फ़ोन पर परामर्श लेकर दवाइयों की डोज क्या चेंज की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या मान के चले सर, इस समय खासकर यदि हम गोटेगांव की व्यक्तिगत बात न करें, पूरे ऑल इंडिया बेस पर बात करें, तो हृदय रोग का भारतवर्ष में बहुत तेजी से प्रकोप फैल रहा है, बहुत हृदय रोगी हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? खान पान है, प्रदूषित वातावरण है या कुछ? जैसा आपने बताया, खान पान, प्रदूषित वातावरण, ये तो एक प्रमुख कारण है। नींद की कमी, स्ट्रेस, तनाव और जो साथ ही हार्ट डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये प्रमुख हैं, इनके रोगी बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में हृदय रोग और लकवा, पैरालिसिस, ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, खास करके कम एज में, कि जिनमें ये सब रिस्क फैक्टर्स नहीं है या स्मोकिंग भी नहीं करते, उस तरह के एज में भी हार्ट डिजीज़ के केसेस देखने मिले हैं। और उसमें दुखद बात यह है कि कम एज के लोगों में मृत्यु दर अधिक देखी जा रही है, उनमें समय ही नहीं मिलता है। ओल्ड एज में ऐसा रहता है कि धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप होते तो कई बार नेचुरल बाईपास डेवलप हो जाता है और उसमें समय मिल जाता है मरीज को उपचार के लिए। पर कम एज में बहुत केसेस में ऐसा देख रहा है कि सीने में दर्द और अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए अगर किसी को सीने में दर्द, सांस फूलना, ये कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो शुरुआती स्टेज में अपनी निर्धारित जांचें जैसे कि ECG, TMT, लेप्रोस्कोपी, ये सब जांचें करा के बीमारियों को पकड़ा जा सकता है। इस समय जो कि ठंड का मौसम आ रहा है, सुनने में आता है कि डॉक्टरी भाषा में भी बात करें तो ठंड के मौसम में हृदय रोगों की जो है संभावना ज़्यादा रहती है, हृदय जो रोग है पेशेंट उन लोगों के लिए खतरा कुछ ज़्यादा होता है, ठंड के मौसम को देखते हुए क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ठंड के मौसम में एक्चुअल में खास करके सुबह लगभग 3 से 5 बजे के बीच में हार्मोनल चेंज होते बॉडी में, उसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, खून जमने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हार्ट अटैक और लकवा, इसके केस बढ़ जाते हैं, खास करके सुबह सुबह ही ये केस सामने आते हैं। तो ठंड से बचना है, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो धूप निकलने के बाद घूमने जाएं, व्यायाम जारी रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में ना निकलें, और अगर जा रहे हैं तो गर्म कपड़े पहन कर जाएं, ठंड में रात में अच्छे से ओढ़ के सोएं, दवाइयां जो चल रही हैं वो दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें। दरवाज़ा बंद कर दीजिए। नहीं, आईडी करना है कहाँ? आ जाइए। चलो सर, आज श्रीराम हॉस्पिटल में आपने हृदय रोग शिविर के शिविर लगाया है, क्या उद्देश्य को लेकर? आज इस शिविर का जो आयोजन किया गया है इसलिए क्योंकि अब गांव में और छोटी जगहों में भी हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, पहले ऐसे देखा जाता था कि हार्ट अटैक, बड़े शहरों में। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।